जब हम पढ़ रहे थे यूज ऑफ इच, आर और एम का, उसके कुछ वाक्य और देखते हैं। तो अपने को पता है इच का प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ, एम का प्रयोग आई के साथ और बहुवचनकर्ता, तथा यू के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। फिर हम वाक्य देखे थे, कुछ और वाक्य देखते हैं। जैसे यह किताब है, तो इसमें पहचाना हमने है हु आए, तो वो प्रेजेंट का काल होगा जिसमें हम इज आर एम का प्रयोग करेंगे। अब यह किताब है, किताब वस्तुओं में आता है, तो यहाँ पर यह के लिए किसका प्रयोग करेंगे, ये देखो। एक होता है दिस, एक होता है दैट, एक होता है दीच, एक होता है दोच। ये छोटी क्लासों में आपने पढ़ा भी होगा, नहीं एक बार भूल गए हो तो दोबारा देखो। दिस का प्रयोग वस्तुओं के लिए यह के लिए, दिस का प्रयोग यह के लिए करते हैं, लेकिन वह निकट हो, पास में हो, पास की वस्तु के लिए। और दैट का प्रयोग भी एक पास की एक वस्तु के लिए किया जाता है, और दैट का प्रयोग दूर की एक वस्तु को। कैसे? जैसे हम कहें यह किताब है और हम कहें वह किताब है, तो यहाँ यह बता रहा है कि किताब पास में है और वह बता रहा है कि एक किताब कहाँ है, दूर है। तो पास के लिए दिस का और दूर के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही दीज दोज होता है, एक से अधिक अगर पास में है तो दीज लगाएंगे, एक से ज़्यादा दूर है तो दोज लगाएंगे। यानी एक किताब के लिए पास के लिए दिस है, बहुवचन के लिए दीज है, दैट है दूर के लिए, एक किताब के लिए ज़्यादा के लिए दोज है। तो दिस दैट दोज का ध्यान रखना है। इसमें यह वह बोलते हैं, इसमें ये और वे बोलते हैं, ये उच्चारण होता है इनका। तो अपने पास यह किताब है, तो हम यह के लिए किसका प्रयोग कर देंगे, दिस का। यह के लिए किसका प्रयोग कर दिया, दिस का। दिस के साथ किसका प्रयोग करना है अपने को, इच का। दिस इच क्या है, किताब है, तो उनकी सीधे क्या आ गया, ऊपर गया, दिस इज ए बुक, यह किताब है। उसकी माता जी एक डॉक्टर है, इसमें भी पीछे है कि उच्चारण में हम इच आर एम का प्रयोग लेंगे। हु में एम का है, हो में आर का है और है में इच का है, ठीक है। तो उसकी माता जी एक डॉक्टर है, उसकी माता जी तो उसकी के लिए किसका प्रयोग करेंगे, ये गौर करने वाली बात है। तो हम उसका और उसकी के लिए हिज और हर का प्रयोग करते हैं। अगर पुल्लिंग होगा तो हिज लगा देंगे, स्त्रीलिंग होगा तो क्या लगा देंगे, हर लगा देंगे। ये विशेष ध्यान रखना है। तो हम ये पुल्लिंग मान रहे हैं, तो यहाँ पर आ गया हिज। माता जी को क्या बोलते हैं, मदर। हिज के बाद कभी इज आर एम नहीं आता है, हिज के बाद, हर के बाद हमेशा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इज आर एम का प्रयोग करेंगे, ये विशेष ध्यान रखना है। तो हिज मदर एक वचन है, इसलिए किसका प्रयोग कर दिया, इज का। एक क्या है, डॉक्टर है, तो इज मदर इज ए डॉक्टर, हिज मदर इज ए डॉक्टर आ गया। उसकी माता जी है क्या है, डॉक्टर है, विशेष ध्यान रखना है। वह मेरा भाई है, यहाँ वह, तो यहाँ एक तो वह का उच्चारण दैट के लिए किया है हमने, और व्यक्तिगत हो तो वहां पर यह वह के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, पुरुष के लिए ही का और स्त्रीलिंग के लिए सी का, ठीक है ना। तो वह मेरा भाई है, तो यहाँ वह के लिए क्या लगा दिया, ही के साथ क्या लगाना है, इट्स। मेरा भाई, मेरा को क्या बोलते हैं, माई, और भाई को क्या बोलते हैं, ब्रदर। वाक्य बन गया ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है, ये ध्यान रखना है। मोहन एक अच्छा खिलाड़ी है, तो मोहन नाम आ गया, यहाँ लिख दिया मोहन। एक वचन है, किसका प्रयोग करेंगे, इच का। एक के लिए एक आ गया, अच्छे के लिए क्या करते हैं, गुड का प्रयोग करते हैं, विशेष तो बता रहा है इसकी। और खिलाड़ी है तो क्या हो गया, पी एल ए वाई आर प्लेयर, मोहन इज ए गुड प्लेयर। वे अध्यापक है, वे को क्या कहते हैं हम, वे को बोलते हैं दे, बहुत सारे हो तो दे का प्रयोग किया जाता है वे के लिए, तो दे आ गया। देख बहुवचन में आता है तो आर, दे आर अध्यापक, मतलब टीचर्स, TEACHERS, दे आर ए टीचर्स। अभी बात समझ में, कैसे बनाना वाक्य को। अब फिर देखो, ये किताबें हैं, ये मतलब बहुत सारी हो गई, मैंने कहा दिस एक वचन पास के लिए, दिस एक वचन ये के उच्चारण में, ज्यादा किताबों के लिए यानी अधिक अधिक के लिए दिस का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पर लग जाएगा दिस। बहुवचन है इसलिए क्या लग गया, आर।
किताबों को क्या बोलते हैं? बुक्स। दीज आर बुक्स, ये क्या है? किताबें हैं। सीता एक अच्छी लड़की है, सीता एक वचन है, सीता लिख दिया, सीता एक वचन है तो इज लगा दिया, ए अच्छी है तो गुड, लड़की को क्या बोलते हैं? गर्ल। सीता इज ए गुड गर्ल, ध्यान रखना है। तुम एक गायक हो, तुमको क्या बोलते हैं? हम तुमको बोलते हैं यू। यू के साथ याद रखना है बहुवचन तथा यू के साथ किसका प्रयोग करना है? आर का। यू आर ए गायक को क्या बोलते हैं भाई? गायक को सिंगर बोलते हैं। ये आपको कुछ मीनिंग याद रखना है, यू आर ए सिंगर। मैं एक लेखक नहीं हूं, मैं के लिए उच्चारण किसका आता है? आई का, और आई के साथ इज आर नहीं लगता, क्या लगता है? एम लगता है। नहीं आ गया ना, इन सब में नहीं का वाक्य आ जाए तो तीसरे स्थान पर क्या लगा देना है? नॉट। इसमें भी नहीं आ जाए, वह मेरा भाई नहीं है तो ही इज नॉट माई ब्रदर। मोहन अच्छा लड़का अच्छा खिलाड़ी नहीं है तो ही मोहन इज नॉट लगाना है बस तीसरे स्थान पर। तो नहीं है, नॉट लगा दिया। लेखक को क्या बोल दिया हमने? राइटर, लिखने वाले लेखक होता है। हम बच्चे हैं, हमको क्या बोलते हैं भाई? वी बोलते हैं। वी बहुवचन है क्या? बहुवचन के साथ इसका प्रयोग करना है आर का। बच्चों को क्या बोलते हो? चिल्ड्रन। हम बच्चे हैं तो वी आर क्या आ गया? चिल्ड्रन। तो आपको इन सब को कॉपी में उतार कर देखना है, फिर भी समझ में नहीं आए तो मेरे से पूछ सकते हैं और आसानी से समझ में आ सकता है, क्योंकि कल इसके नियम कर लिए थे हमने, आज वाक्य और भी देख लिए। धन्यवाद।